हेलो एंड वेलकम टू ग्रेट ऑनलाइन एकेडमी। मेरा नाम है रविंद। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया के फेमस रेलवे स्टेशंस को, साथ में हम लोग जानेंगे रेलवे स्टेशन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया के इम्पोर्टेंट एंड फेमस मेट्रो सर्विसेज के बारे में, एंड लास्ट में हम लोग जानेंगे इंडिया के फेमस सब अर्बन रेलवेज के बारे में। तो चलिए एक एक करके इन सभी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा दी गई हर एक नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इंडिया के फेमस रेलवे स्टेशंस के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, तो देखें इंडिया में वैसे तो 7349 रेलवे स्टेशंस हैं, बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ 4 मेजर रेलवे स्टेशंस की बात करेंगे, क्योंकि यही वो 4 रेलवे स्टेशंस हैं जहाँ से एग्ज़ाम में 99.99% क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के बारे में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को बोरी बंदर स्टेशन के नाम से 1878 में बनाया गया था। 1878 में ये स्टेशन बन के कम्प्लीट हुआ है, बट यहाँ से इंडिया की सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन चली है। वो पैसेंजर ट्रेन 1853 में ही चली थी। सो इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चली थी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से। उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का नाम बोरी बंदर स्टेशन होता था। बाद में बोरी बंदर स्टेशन से इसका नाम विक्टोरिया टर्मिनस कर दिया गया, फिर विक्टोरिया टर्मिनस से इसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस किया गया, फिर वहां से इसका नाम दोबारा चेंज होके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कर दिया गया। सो नेम चेंज के लिए इतनी पॉलिटिक्स है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये रेलवे स्टेशन कितना इम्पोर्टेंट है, एंड महाराष्ट्र के लिए तो ये एक रेलवे स्टेशन बहुत ही प्राउड है। यहाँ पे ब्रिटिश, इटालियन एंड इंडियन आर्किटेक्चर के मिक्सचर से इस रेलवे स्टेशन को बनाया गया है। ये रेलवे स्टेशन बहुत ही सुंदर है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको बनाया गया है। इसके जो आर्किटेक्चर थे वो थे फेडरिक विलियम स्टीवंस। फेडरिक विलियम स्टीवंस ने इसको 1878 में कंप्लीट किया था, एंड 3 आर्ट के मिक्सचर से इसको बनाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इंडिया का एक ऐसा स्टेशन है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड है। ये इंडिया का एकमात्र ऐसा स्टेशन है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड है। 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया में इसको ऐड किया गया था। सो ये सभी फैक्ट आप लोग बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बहुत ही इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। सेकंड इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है हमारा हावड़ा स्टेशन। हावड़ा स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, इसीलिए हावड़ा स्टेशन को इंडिया का लार्जेस्ट स्टेशन का खिताब प्राप्त है। हावड़ा स्टेशन में टोटल 23 प्लेटफॉर्म है, एंड ये इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ पे लगभग 617 पैसेंजर ट्रेन्स डेली आती हैं या यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। तो 617 पैसेंजर ट्रेन्स को हावड़ा स्टेशन डेली मैनेज करता है, इसलिए ये इंडिया का सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन भी है। एंड अगर बात करें कुछ रेलवे स्टेशंस की जहाँ पे हावड़ा से कुछ और प्लेटफॉर्म कम है, तो सियालदा हमारा जो रेलवे स्टेशन है वो 20 प्लेटफॉर्म है, जो इंडिया का सेकेंड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। एंड थर्ड बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इंडिया का CSMT मुंबई है 18 प्लेटफॉर्म के साथ। सो जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं हावड़ा, वो इंडिया का सबसे बिजिएस्ट है। फिर सेकंड नंबर पे सियालदा रेलवे स्टेशन बिजी है, एंड थर्ड नंबर पे हमारा CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो अभी हमने पीछे बात की। तो चलिए इस तरीके से हावड़ा स्टेशन के बारे में आप लोग सारी पॉइंट्स याद रख सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट रेलवे स्टेशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या मुगल सराय रेलवे स्टेशन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय या मुगल सराय रेलवे स्टेशन ये भी एक बहुत ही मेजर रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन की एक बहुत ही ज़्यादा खासियत है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेन्स को पार किया जाता है। जब ट्रेन्स हमारे स्टेशन पे आ जाती हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेन्स पार्क होती हैं। जो हमारे मुगल सराय या पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो इसका नेम चेंज हुआ है हमारे BJP की सरकार आने के बाद, जो नेम चेंज की पॉलिटिक्स चल रही है उसके बाद से इसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया।
सो नेम चेंज की जो राजनीति है वो सभी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशंस में होती रहती है, बट हावड़ा का नाम अभी तक चेंज नहीं हुआ है क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो हावड़ा ब्रिज एंड हुगली रिवर के किनारे है ये, तो हावड़ा का स्टेशन का जो नाम है वो हावड़ा ही है। बट हमारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का भी नाम चेंज हो गया, CSMT जो हमारा स्टेशन था बोरी बंदर उसका भी नाम चेंज हो गया, मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिए। सो ये सारी राजनीति होती रहती है, हम लोग को याद रखना है। सो इंडिया का जो सबसे ज़्यादा मार्सेलिंग, जो हमारा मार्सेलिंग यार्ड है इंडिया का जहाँ पे ट्रेन्स पार्क होती हैं एंड उनका मेंटेनेंस सर्विसेज जो जहाँ पे की जाती है रेलवे इंजन्स की एंड रेलवे कोचेस की, सबसे बड़ा मार्सेलिंग यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन का है। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है वो है हमारा न्यू दिल्ली स्टेशन। न्यू दिल्ली स्टेशन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में लार्जेस्ट रूट रिले सिस्टम का खिताब प्राप्त है। रूट रिले सिस्टम क्या होता है, आप लोग ने कई बार देखा होगा, जैसे कि ये हमारी फोर्थ इमेज है, जब भी ट्रेन्स को पार करना होता है प्लेटफॉर्म पे, सो वो सारी ट्रेन्स कई बार पटरियां बदल के अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंचती हैं। सो अगर हमारी रेलवे लाइन 10 आती हैं उस स्टेशन के आउटर में 10 रेलवे लाइन है एंड हमारे प्लेटफॉर्म में सिर्फ दो हमारे स्टेशन में सिर्फ दो प्लेटफॉर्म है, तो हमारे उन प्लेटफॉर्म पे हमें ट्रेन्स को बाईपास करके पटरियां बदल के कई बार प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ता है। इसके लिए हमको एक रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम यूज़ करना पड़ता है कि वो पटरियां बदल सकें। सो जो हमारा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है इसमें सबसे ज़्यादा पटरियों को बदल के प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया जाता है। सो आई होप फेमस रेलवे स्टेशन के बारे में सारी पॉइंट आपको क्लियर हो गई होगी। सो चलिए अब हम लोग जानते हैं रेलवे स्टेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चले फ्रेंड, तो रेलवे स्टेशन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स की जो इंडियन रेलवे के ऐसे स्टेशन हैं जो फेमस रेलवे स्टेशन नहीं हैं, बट ये सभी रेलवे स्टेशन के जो फैक्ट्स हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला स्टेशन हमारा घूम रेलवे स्टेशन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो हमारे माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया की एक लिस्ट है, इसका जो रेलवे स्टेशन है घूम रेलवे स्टेशन, ये इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट पे बना हुआ रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन की सी लेवल से हाइट 2258 मीटर है। घूम रेलवे स्टेशन दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन का स्टेशन है, इस बात को याद रखिएगा। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया से कई क्वेश्चन आते हैं, ये सभी माउंटेन रेलवे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड हैं एंड ऊटी जो हमारी नीलगिरी हमारी हिमालयन रेलवे है उसकी जो ऊटी ट्रेन है ऊटी के लिए जाने वाली वो इंडिया की सबसे स्लोवेस्ट ट्रेन है, उसके बारे में आगे बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में। बट आप लोग माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के सभी पॉइंट को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया को कवर किया है। सेकेंड जो हमारा स्टेशन है या हमारा सेकेंड फैक्ट है वो हमारे इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट एंड साउदर्न मोस्ट स्टेशन के बारे में है। सो इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट पे अभी तक इंडियन रेलवे पहुंची है वो जम्मू एंड कश्मीर के बारामूला स्टेशन तक पहुंची है। बारामूला स्टेशन या बारामूला उधमपुर बारामूला श्रीनगर रेलवे लाइन, इसके बारे में मैंने अपने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेक्चर में बताया है लेक्चर 5 में। सो अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग देख जरूर लीजिएगा क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ बताया है। बारामूला तक पहुंचने के लिए हमारे चेनाब ब्रिज को बनाया गया है, हमारे पीर पंजाल टनल को बनाया गया था, उधमपुर श्रीनगर जो लाइन थी उसी का एक्सटेंशन बारामूला तक किया गया था। सो बारामूला रेलवे स्टेशन आपको याद रखना है इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन है। इसी तरह जो इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन है, वेस्ट मतलब गुजरात की तरफ, सो वेस्टर्न मोस्ट है हमारा नालिया। नालिया हमारा गुजरात के भुज में है जहाँ पे 2002 में भूकंप आया था एंड बहुत सारा लॉस हुआ था। सो जो नालिया रेलवे स्टेशन है वो गुजरात के भुज में है, आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि वहाँ पे जब भूकंप आया था तो वहाँ पे किसी ने किसी को कुछ भी नहीं दिया और ना वहाँ के लोगों ने किसी से कुछ लिया, गुजरात ने सेल्फ अपने दम पे ही सारी चीज़ों को बिल्डअप किया
मोदी जी उस वक्त वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, सो उस वक्त सेंटर से कोई उनको मदद भी नहीं मिली थी, सो गुजरात के लोगों ने सेंटर से कुछ ना लिया था, इसलिए लालिया रेलवे स्टेशन वेस्टर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन है। इसी तरह जो ईस्टर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन है, जो हमारा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल इस साइड अगर देखेंगे, सो इंडियन रेलवे अभी जो है इस वक्त जो सबसे लास्ट रेलवे स्टेशन बनाया है ईस्ट के तरफ, वो है हमारा लेखा पानी। लेखा पानी असम में है एंड ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन है। लेखा पानी को आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, देखिए असम जो है हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड वहाँ पे बहुत सारे झरने एंड बहुत सारे फाउंटेन जो हमेशा नेचुरल तरीके से चलते रहते हैं। तो वहाँ पे आप जब भी किसी चीज़ की सैर पे जाएंगे तो आप वहाँ पे कुछ लिखेंगे और किसके बारे में लिखेंगे, पानी के ही बारे में। सो लेखा पानी जो हमारा रेलवे स्टेशन है वो हमारे इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन है, इस तरीके से आप लोग याद रख लीजिए। इसी तरह जो हमारा साउदर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन है वो हमारा कन्याकुमारी, ये रेलवे स्टेशन आपको ऐसे ही याद रह सकता है क्योंकि हमारे मेन लाइन इंडिया की जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कन्याकुमारी ही है। सो साउदर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन हमारा कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन है। कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन ही इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट पे बना हुआ साउदर्न मोस्ट रेलवे स्टेशन है। चले थर्ड पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे इंडिया के स्मॉलेस्ट रेलवे स्टेशन एंड लॉन्गेस्ट स्टेशन नेम्स के बारे में। सो इंडिया का जो स्मॉलेस्ट स्टेशन नेम है वो है IB, इंग्लिश में IB एंड हिंदी में IB। थर्ड इमेज आप लोग देख सकते हैं, मैंने शो किया है, हिंदी के स्टूडेंट इसको IB पर टिक करेंगे एंड इंग्लिश के जो स्टूडेंट है वो IB पर टिक करेंगे। जो इंडिया का लॉन्गेस्ट नेम का रेलवे स्टेशन है वह हमारा पुरातत्व थलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये रेलवे स्टेशन चेन्नई सेंट्रल है, चेन्नई सेंट्रल का नाम बदल के पुरातत्व थलाइवर डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया गया एंड ये रेलवे स्टेशन वर्ल्ड का सेकेंड लॉन्गेस्ट नेम का रेलवे स्टेशन है एंड जो फर्स्ट लॉन्गेस्ट नेम का रेलवे स्टेशन है वो जापान में है एंड ये स्टेशन का जो नेम है वो सिर्फ एक लेटर से मिस हो गया था, नहीं तो चेन्नई सेंट्रल का जो रेलवे स्टेशन है यही वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट नेम का रेलवे स्टेशन होता। चले जो हमारी फोर्थ पॉइंट है वो है गोरखपुर रेलवे स्टेशन के बारे में। गोरखपुर जो हमारे योगी जी हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सो गोरखपुर रेलवे स्टेशन इंडिया का ऐसा एक स्टेशन है जहाँ पे इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ये प्लेटफॉर्म पैसेंजर प्लेटफॉर्म है, वैसे तो DFCCIL के जो प्लेटफॉर्म बन रहे हैं जो फ्रेट के लिए हैं वो 2 किलोमीटर तक लंबे हैं, बट उनके बनने के बावजूद भी इंडिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म माना जाता है वो गोरखपुर को माना जाता है क्योंकि ये पैसेंजर गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी होती हैं। उस हिसाब से गोरखपुर अभी इंडिया का लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है जो पैसेंजर गाड़ियों के लिए बनाया गया है, बाकी जितने स्टेशन हैं वहाँ पे पैसेंजर प्लेटफॉर्म इतने बड़े नहीं होते हैं। इसके पहले गोरखपुर के पहले ये जो स्टेशन हमारा खड़गपुर का है उसका प्लेटफॉर्म सबसे लॉन्गेस्ट था, वो लगभग 1 किलोमीटर तक था एंड गोरखपुर को बनने के बाद 2013 में गोरखपुर का प्लेटफॉर्म बना है। इसके बाद से गोरखपुर का प्लेटफॉर्म इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म हो गया। इसी तरह लॉन्गेस्ट स्टेशन नेम के बारे में भी एक फैक्ट आप लोग याद रखें, जो हमारा चेन्नई सेंट्रल है इसके पहले इंडिया में जो लॉन्गेस्ट नेम का स्टेशन था वो था वेंकट नरसिम्हा राजू वरी पीटा। इस नेम को आप लोग याद रखेगा अगर आपके एग्जाम में फैक्ट्स चेंज नहीं होते हैं, वैसे तो क्वेश्चंस को कई बार चेक करके ही डाला जाता है बट ये फैक्ट अभी भी नेट पे बहुत ही पॉपुलर है, वेंकट नरसिम्हा राजू वरी पीटा, बट ये अब चेंज हो चुका है। चेन्नई सेंट्रल इस वक्त इंडिया का लॉन्गेस्ट नेम का स्टेशन है, बट दोनों फैक्ट आप लोग याद रखिए, एग्जाम में जो भी ऑप्शन आएगा अगर हमारा चेन्नई सेंट्रल नहीं है तो आपको वेंकट नरसिम्हा राजू वरी पेटा पे ही टिक मारना है। सो चलिए रेलवे स्टेशन के इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बिल्कुल समझ आ गए होंगे, तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर और समझते हैं इंडिया के फेमस मेट्रो सर्विसेज के बारे में। चले फेमस मेट्रो सर्विसेज में हम लोग बात करेंगे उन सभी मेट्रो सर्विसेज की जो इंडिया में वेल स्टेब्लिश्ड है।
हम उन किसी भी मेट्रो सर्विसेज को नहीं लेंगे जिनके अभी प्रपोजल्स हुए हैं या उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, क्योंकि उनकी कोई प्रॉपर डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। सो एग्ज़ाम में हमारे वेल एस्टेब्लिश्ड मेट्रो सर्विसेज के बारे में ही क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग इन सभी मेट्रो सर्विसेज को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोलकाता मेट्रो सर्विस के बारे में। कोलकाता मेट्रो सर्विस 1984 में बनाई गई थी एंड ये इंडिया की फर्स्ट मेट्रो सर्विस है जो इंडियन रेलवे ने बनाई थी। बाकी जितनी भी मेट्रो सर्विसेज वो इंडियन रेलवे ऑपरेट नहीं करता है ना उनको ऑन करता है, बट कोलकाता मेट्रो सर्विस ही इंडिया की एकमात्र ऐसी सर्विस है जो इंडियन रेलवे के द्वारा ऑपरेट होती है एंड ऑन है। इंडियन रेलवे ने ही इसकी शुरुआत की थी 1984 में। सो कोलकाता मेट्रो सर्विस के बारे में ये सभी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारी मेट्रो सर्विस है दिल्ली मेट्रो सर्विस। दिल्ली मेट्रो सर्विस इंडिया की बहुत ही पॉपुलर मेट्रो सर्विस है। सभी लोग दिल्ली मेट्रो का नाम कई बार लेते हैं क्योंकि दिल्ली मेट्रो सर्विस एक ऐसा कॉरपोरेशन है जिसको कई अवार्ड्स मिले हैं वर्ल्ड में। एंड दिल्ली मेट्रो सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट दोनों का एक कॉरपोरेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट दोनों मिलकर दिल्ली मेट्रो सर्विस को चलाती हैं। एंड दिल्ली मेट्रो सर्विस की 1995 में शुरुआत की गई थी, तब ये मेट्रो सर्विस सिर्फ दिल्ली के लिए बनाई गई थी, बट धीरे धीरे दिल्ली के आसपास के जितने भी इलाके थे वो सभी जगह पे दिल्ली मेट्रो सर्विस अपने सर्विसेज देना स्टार्ट कर दी। अभी दिल्ली मेट्रो सर्विस इंडिया की लार्जेस्ट मेट्रो सर्विस है। ये 5 शहरों में अपनी सर्विसेज को देती है, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद एंड बहादुरगढ़। इन सभी शहरों 5 शहरों में दिल्ली मेट्रो सर्विसेज की सर्विसेज चलती हैं एंड ये इंडिया की बिजिएस्ट मेट्रो सर्विस अगर बोलें तो दिल्ली मेट्रो सर्विस है। चले थर्ड है हमारी नम्मा मेट्रो। नम्मा मेट्रो इंडिया की थर्ड मेट्रो सर्विस थी जो बेंगलोर में बनाई गई थी। 2011 में इसको बनाया गया है दिल्ली मेट्रो के काफ़ी बाद, आप देख सकते हैं। सो दिल्ली मेट्रो के बाद नम्मा मेट्रो को बनाया गया है एंड नम्मा मेट्रो लगभग दिल्ली मेट्रो के ही तरह, इसकी सभी ट्रेन्स हैं, सभी चीज़ें इसकी दिल्ली मेट्रो के ही तरह ऑपरेट होती हैं। एंड नम्मा मेट्रो एक ऐसी ट्रेन सर्विस है जिसमें जो पैसेंजर्स हैं उनको वाईफाई फैसिलिटी मिलती है। सो इसकी जो सबसे ज़्यादा खासियत है नम्मा मेट्रो की वो यही है कि इसके पैसेंजर को, या इंडिया में फर्स्ट मेट्रो सर्विस जो अपने पैसेंजर्स को वाईफाई फैसिलिटी देती है वो है नम्मा मेट्रो बेंगलोर की। इसी तरह जो हमारी फोर्थ पॉइंट है, पॉइंट्स के नंबरिंग में मैंने कुछ गड़बड़ की है सो इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिए। फोर्थ पॉइंट हमारी गुड़गांव की मेट्रो रैपिड मेट्रो के बारे में। गुड़गांव की मेट्रो को 2013 में स्टार्ट किया गया था एंड ये इंडिया की फर्स्ट प्राइवेटली ओन्ड मेट्रो है, फुली प्राइवेटली फाइनेंस्ड एंड ओन्ड मेट्रो हमारी गुड़गांव की मेट्रो इंडिया की है। गुड़गांव के जो मेट्रो है इसको प्राइवेट जो कंपनीज है वो ऑपरेट नहीं कर पा रही थी, सो इन्होंने DMRC की हेल्प ली एंड अब जो इसका ऑपरेशन है 2019 से DMRC कर रहा है। लगभग 6 सालों तक गुड़गांव के मेट्रो में बहुत दिक्कत आती थी और प्राइवेट कंपनीज इसका ऑपरेशन प्रॉपरली नहीं कर पाती थी, सो इसका जो ऑपरेशन है DMRC को दे दिया है एंड DMRC अब इसका ऑपरेशन करती है। जो हमारी फिफ्थ मेट्रो है वह है मुंबई मेट्रो। हमारे फेमस शहर मुंबई में जो मेट्रो बन रही है वह प्योरली एक ऐसी मेट्रो है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बेस है। सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एकमात्र मेट्रो इंडिया में कौन सी है? मुंबई मेट्रो। इसी तरह अगर बात करें इंडिया की फुली प्राइवेटली ऑन मेट्रो की सो वो है हमारी गुड़गांव की मेट्रो, एंड इंडियन रेलवे के द्वारा ऑन मेट्रो तो वो है कोलकाता मेट्रो। दो गवर्नमेंट के द्वारा ऑन मेट्रो सो है दिल्ली मेट्रो। इस सभी बातों को आप लोग याद रखिएगा। तो मुंबई मेट्रो की शुरुआत 2014 में की गई थी एंड मुंबई मेट्रो अभी बहुत ही कम जगह पे चल रही है। अब मुंबई में इसकी कुछ 3 लाइन हैं जो अभी मुंबई में ऑपरेशनल हैं। अभी ये बन रही है, अभी इसका स्टार्टिंग फेस है, क्योंकि मुंबई में जो लोकल सर्विसेज है वो बहुत ही प्रिविलेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं एंड लोकल सर्विसेज बहुत ही सस्ती हैं। सो मुंबई में मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो उतना तेज़ी से बढ़ नहीं पा रहा है क्योंकि इसको लोग जानते हैं कि लोकल का जो
जो यूज़ है या लोकल सर्विसेज बंद हो सकती हैं। अगर जो लोकल हम चलाते हैं मुंबई में वो जितने सस्ते रेट पे चलाते हैं, अगर मेट्रो आ गई तो लोकल का भी रेट बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें पैसेंजर्स कम हो जाएंगे। अभी क्या है कि उसमें लोकल में बहुत सस्ते में सारे लोग ट्रैवल कर सकते हैं। सो मुंबई के लिए एक समस्या है जिसके वजह से मुंबई मेट्रो का काम बहुत धीरे या बहुत स्लो स्पीड में चल रहा है। अभी जो हमारी लास्ट मेट्रो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है लखनऊ मेट्रो। लखनऊ मेट्रो वर्ल्ड ये एक ऐसी मेट्रो है जो सबसे जल्दी तैयार हुई है। 2017 में मेट्रो तैयार हो गई थी एंड लखनऊ मेट्रो की फर्स्ट सर्विस 2017 में ही चलने लगी थी। और वर्ल्ड में सबसे पहले किसी भी मेट्रो को बनाया गया सबसे कम टाइम में तो वो है लखनऊ मेट्रो। ये इंडिया के लिए एक अचीवमेंट है, इस बात को आप लोग याद रखेगा। मेट्रो सर्विसेज के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखेगा। साथ में आप लोग एक एक पॉइंट समझ लीजिए कौन सी मेट्रो को कौन ऑन करता है एंड किस मेट्रो की क्या क्या खासियत है, ये सभी बातें बिल्कुल याद होनी चाहिए। आई होप सभी बात आपको याद हो गई। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर और जानते हैं इंडिया की सब अर्बन रेलवेज के बारे में जो कई शहरों में ऑपरेट होती हैं एंड जहाँ पे मेट्रोज की ज़रूरत नहीं पड़ रही। देखिए फेमस सब अर्बन रेलवेज में हम लोग बात करेंगे मुंबई लोकल के बारे में, कोलकाता लोकल के बारे में, चेन्नई लोकल के बारे में। ये सभी लोकल सर्विसेज इतनी प्रिवलेंट हैं कि यहाँ पे मेट्रो का जो एक्सटेंशन है वो नहीं हो पाया। कोलकाता एंड मुंबई मेट्रो तो खासकर एक्सटेंड नहीं हो पा रही है क्योंकि वहाँ की लोकल सर्विसेज बहुत ही प्रिवलेंट है, चेन्नई में तो मेट्रो है ही नहीं। सो मुंबई अगर लोकल की सबसे पहले बात करें तो मुंबई लोकल इंडिया की एक ऐसी लोकल है जिसको खिताब हासिल है इंडिया की फर्स्ट ट्रेन चलाने का। इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो 16 अप्रैल 1853 को चली थी वो एक मुंबई की लोकल ट्रेन ही थी, CSMT से थाने तक। उसको इंडिया की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन कहते हैं क्योंकि वो पैसेंजर्स को ले के गई थी। उसमें लगभग 14 डिब्बे थे एंड 400 लोगों को पहली बार CSMT से थाने के लिए हमारे मुंबई की लोकल सर्विस लेके गई थी। एंड ये इंडिया की बिजिएस्ट लोकल सर्विस है, इंडिया की सबसे पहली लोकल सर्विस एंड बिजिएस्ट। हर 3 मिनट में एंड 5 मिनट के अंदर तो शोर मुंबई में नेक्स्ट लोकल आ जाती है। सो मुंबई में सबसे ज़्यादा लोकल्स चलती हैं एंड मुंबई लोकल सबसे बिजिएस्ट सर्विस है। सो लोकल्स के बारे में अगर बात करें तो मुंबई की लोकल इंडिया की सबसे बिजिएस्ट लोकल है। इसी तरह अगर कोलकाता लोकल की बात करें तो कोलकाता लोकल इंडिया की लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा एरिया में फैली हुई, बिजिएस्ट तो नहीं है बट सबसे ज़्यादा एरिया में फैली है। एंड सेकेंड ऐसी सर्विस है, सेकेंड मेट्रो एंड सेकेंड बिजिएस्ट सब अर्बन सर्विस। अगर मुंबई लोकल के जज्बात अगर बात करें तो कोलकाता जो लोकल है वो इंडिया की सेकेंड बिजिएस्ट सर्विस है। सेकेंड मेट्रो जो लिखा हुआ है वो गलत है, तो सेकेंड बिजिएस्ट सब अर्बन रेलवे इंडिया की अगर बात करें तो कोलकाता की है। फर्स्ट पे मुंबई, सेकेंड पे कोलकाता। इसी तरह अगर थर्ड हमारी चेन्नई लोकल की बात करें सो वो इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट है। जैसे कोलकाता हमारे इंडिया का लार्जेस्ट है, मुंबई हमारे इंडिया का बिजिएस्ट है, सेकेंड बिजिएस्ट कौन सा है? चेन्नई। चेन्नई में तो मेट्रो सर्विस है नहीं। सो इंडिया के अगर सेकेंड लार्जेस्ट सर्विस की बात करें लोकल के टर्म्स में सो चेन्नई की लोकल सेकेंड लार्जेस्ट सर्विस है। फर्स्ट लार्जेस्ट सर्विस कोलकाता की है एंड मोस्ट बिजिएस्ट सर्विस मुंबई की है एंड फर्स्ट सर्विस लोकल के टर्म्स में भी मुंबई की है। इन सभी बातों को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। और अगर बात करें साउथ की सबसे लार्जेस्ट सर्विस की तो चेन्नई है। चेन्नई लोकल ही साउथ इंडिया की लार्जेस्ट सर्विस। अगर लार्जेस्ट सर्विस की बात करें तो मुंबई तो हमारा है नहीं साउथ में, तो हमारा कोलकाता है लार्जेस्ट, तो सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा हुआ? मुंबई तो थर्ड लार्जेस्ट है, सो सेकेंड लार्जेस्ट हमारा चेन्नई है। कोलकाता के बाद चेन्नई, साउथ में हमारा चेन्नई है, मुंबई थर्ड नंबर पे है। सो ये सभी पॉइंट्स सब अर्बन रेलवेज के बारे में इंपॉर्टेंट है। इन सभी पॉइंट्स को मैंने समझा दिया, आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। एंड यही लोकल सर्विसेज के वजह से जो मेट्रो सर्विसेज है उनका एक्सटेंशन नहीं हो पाता है। मुंबई में लोकल इतनी ज़्यादा प्रिवलेंट है कि वो बहुत सस्ते रेट पर लेके जाती है एंड मेट्रो आने के बाद लोगों को बहुत ही कॉस्ट
जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। इसी तरह कोलकाता इंडिया की फर्स्ट मेट्रो सर्विस होने के बावजूद कोलकाता लोकल के वजह से दिल्ली मेट्रो के जितना एक्सटेंड नहीं कर पाए। सो इन सभी बातों को आप लोग समझ लीजिए, रिलेट करके एक एक पॉइंट को मैंने समझा दिया। आई होप ये सारी पॉइंट आपको समझ में आएंगी इस लेक्चर की। इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन के लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारे PDF मिल जाएंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।